दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट से भी मैच कर पाएंगे। अभी देखिए मैं ये जो है ये गेट ये वाला आप डिज़ाइन मैच कर पाएंगे इस गेट का। तो यहीं से जब शाहरुख खान सर स्कूटर पे बैठ के इसी गेट से निकल जाते हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हैं सभी, मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ, साल 2007 में एक बहुत ही सुपरहिट फिल्म आई थी जिसका नाम था चक दे इंडिया। दोस्तों ये मूवी आपने ज़रूर देखी होगी, शाहरुख खान की एक बेस्ट मूवी थी जिसमें एक शॉर्ट फिल्माया था जो कि दिल्ली के अंदर फिल्माया गया था। इसके अंदर कुछ शॉट दिल्ली के भी हैं, तो आज मैं वही शॉट आपको इस फिल्म के दिखाने वाला हूं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के ठीक सामने ही। दोस्तों इसी फिल्म के जो शॉट लिए गए थे वो इसी स्टेडियम के दिखाए हुए हैं, तो आज मैं आपको ये शॉट दिखाऊँगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर ज़रूर कर लें ताकि आपको ऐसी एक से एक वीडियो देखने को मिलती रहे। फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं इस हॉकी वाले स्टेडियम के अंदर। पीछे की साइड से एंट्री करी है हमने और आज इधर से एंट्री फ्री की हुई थी, और उसके बाद हम चलेंगे चक दे इंडिया फिल्म के जो सीन दिखाए गए अंदर की तरफ। तो मैं आज आपको अंदर का भी नज़ारा दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको स्टेडियम के अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ कि ये स्टेडियम कैसा है अंदर से। तो अंदर चलते हैं हम। तो ये देखिए दोस्तों ये है पूरे स्टेडियम का नज़ारा, ये देखिए पूरा आपको व्यू दिखा रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं आप पूरा यहाँ से स्टेडियम का नज़ारा। तो ये है अंदर से कुछ इस प्रकार का नज़ारा इस स्टेडियम का। तो यहाँ पर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम लिखा हुआ है, आपको दिखाता हूँ थोड़ा क्लोज़ करके। ये देखिए अंदर, तो इसी स्टेडियम के अंदर ही चक दे इंडिया फिल्म के जो सीन फिल्माए थे, और आज काफ़ी भीड़ है आपने देखा। तो ये मैं आपको एक बार स्टेडियम का नज़ारा दिखाता हूँ, और जो सीन फिल्माए गए थे ना वो उधर के सीन वो दिखाए गए हैं जहाँ शाहरुख खान सर आते हैं जो मीटिंग में बैठ के जब बाहर निकल के आते हैं ना, तो सीन उस तरफ के फिल्माए हुए। और उधर से धूप बहुत तेज़ है तो पता नहीं मुझे थोड़ा काला काला यहाँ से दिखाई दे रहा है। और अब हम थोड़ा उधर करीब चल के बन। फ्रेंड्स मैं अब आ गया हूँ स्टेडियम के और करीब अंदर की तरफ, और यहाँ से एक बार और नज़ारा दिखाता हूँ आपको पूरे स्टेडियम का। तो ये देखिए स्टेडियम का नज़ारा, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इस समय। और यहीं पर ही फिल्म के सीन फिल्माए थे चक दे इंडिया के, शाहरुख खान यहीं से उतर के आते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये वाले अंदर ही मतलब ऑफिस बना हुआ है, उधर की तरफ हम जा नहीं सकते, तो मैं आपको इधर से ही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देख लीजिएगा इधर का नज़ारा एक, और यहाँ कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये देखिए आप। दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट से भी मैच कर पाएंगे। अभी देखिए मैं ये जो पीछे की ये जो आपको येलो येलो जो पट्टियाँ दिख रही है ये उसमें भी दिखाई देंगे, लेकिन स्टेडियम पहले से चेंज कर दिया क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे दिल्ली में, उस समय ये थोड़ा सा लुक चेंज कर दिया, इसकी छत वगैरह सारी सीटें भी चेंज कर दी है यहाँ से, क्योंकि पहले इसका कलर ग्रीन था अब ब्लू कर दिया है। तो ये है अंदर का नज़ारा, और शाहरुख खान सर उधर ही खड़े होते हैं देखो सामने उस साइड में, क्योंकि उधर की तरफ हम जाने में हमें थोड़ी दिक्कत है, वहाँ मना कर रहे हैं जाने के लिए। तो वो सीन जो लिया गया ना वो उधर का है, और बाकी के जो सीन है ना वो स्टेडियम के बाहर के दिखाए गए हैं। चलिए अब हम देखेंगे वो वाले सीन। फ्रेंड्स अभी मैंने आपको दिखाए चक दे इंडिया के स्टेडियम के अंदर के जो शॉट लिए हुए थे ना, तो अभी मैंने आपको दिखाए वो वाले। तो अभी मैं आ गया हूँ दोबारा से यहाँ पर इंडिया गेट के बैक साइड पर। तो पीछे से धूप आ रही है तो इंडिया गेट आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा, और ये देखिए इधर से स्टेडियम थोड़ा दूर है। तो अभी हम चलते हैं उस तरफ, और आगे चल के आपको जो चक दे इंडिया फिल्म के और जो बाकी के शॉट है ना वो यहाँ के ही दिखाए गए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ बारी बारी करके। तो दोस्तों अब मैं आपको एक चक दे इंडिया फिल्म का जो गाने का सीन फिल्माया हुआ था, ये बाहर की तरफ से सीन फिल्माया हुआ था, तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ बाहर वाला सीन, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे स्टेडियम में अंदर जाने की, और आपको अंदर जाके भी सीन जो अंदर के दिखाए गए हैं तो मैं आपको जल्दी जल्दी करके जैसा भी हो सकता है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आपको पहले ये वाला सीन दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं गाने के दौरान एक सीन फिल्माया जाता है जब शाहरुख खान और उसकी सारी टीम जो भी होती है ना वो सारी इकट्ठी ऐसे दौड़ते हुए आते हैं इस मोड़ पे से, जिसमें आप पीछे इस वाले इंडिया गेट को देख पाएंगे पीछे, और ऐसे ही दौड़ते हुए शाहरुख खान आते हैं इसी तरफ। तो ये सीन जो लिया हुआ था ना गाने के दौरान का सीन यहाँ पर फिल्माया हुआ है, तो वो सीन यहाँ से ही लिया हुआ था, आप पूरा सीन मैच कर पाएंगे। और इसके बाद जो सीन है ना बाकी के सीन अंदर की तरफ फिल्माए हुए हैं, तो हम गार्ड साहब से कोशिश करते हैं बात करने की, और अंदर जाके आपको जो सीन फिल्माए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स गार्ड साहब ने मेरे को एंट्री दे दी है अंदर आने की, और अब मैं आपको बारी बारी करके दिखाऊंगा चक दे इंडिया फिल्म के जो भी शॉट यहाँ अंदर के फिल्माए हुए थे ना, तो मैं आज आपको वो दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ का नज़ारा। तो दोस्तों ये है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, ये सामने ही प्रतिमा लगी हुई है,
और अभी आपको एक बारी शॉट दिखा देता हूँ जो शाहरुख खान के फिल्माए हुए थे ना दोस्तों, ये देखिए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम राष्ट्रीय खेल, और ये है मेजर ध्यानचंद जी, तो इनकी ही प्रतिमा यहाँ लगाई हुई है, स्टेडियम के नाम इन्हीं के ही नाम से रखा हुआ है, और यहीं पर ही चक दे इंडिया फिल्म के सीन फिल्माए हुए थे। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी 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 करके। तो जब फिल्म की शुरुआत होती है ना तो यहाँ से ऐसे करके कैमरा एंगल ऐसे करके आता है, इसी तस्वीर को दिखाया जाता है उस समय। तो ये देखिए ये है जब चक दे इंडिया फिल्म का जो शॉट दिखाया जाता है, तो कुछ इसी प्रकार दिखाया जाता है, इसी प्रतिमा को दिखाया जाता है उस समय। शाहरुख खान जब अंदर से आते हैं ना, तो आप ये देखना ये गेट, ये वाला आप डिज़ाइन मैच कर पाएंगे इस गेट का, तो यहीं से अंदर से निकल के आते हैं इस वाले रास्ते से, हम उस तरफ नहीं खड़े होकर बना सकते। वीडियो में आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ आकर शाहरुख खान सर यहाँ पर खड़े होते हैं, और उस समय आपको पीछे का ये नज़ारा दिखाई देगा इंडिया गेट का। ये देखिए सामने से, ये थोड़ा क्लोज करके दिखा देता हूँ ऐसे करके। तो ये शॉट ऐसे करके आता है उसमें, चक दे इंडिया फिल्म का जो शॉट दिखाया हुआ है ना, आप स्क्रीन शॉट से भी मैच कर पाएंगे। फ्रेंड्स आप एक सीन और देखिए, जब ये वाली हॉकी ऐसे आती है ऊपर से कैमरा एंगल करते हुए नीचे की तरफ, आपको सीन दिखाई देगा दूर से। खैर उनका कैमरा एंगल काफ़ी फोकस काफ़ी तगड़ा होता है उनका, वो सीन यहाँ से ही शॉट दिखाया हुआ है, तो पूरे सीन को आप मैच कर पाएंगे यहाँ से। तो ये है स्टेडियम का यहाँ का नज़ारा बाहर का, तो ये देखिए। और इसके बाद का जो आखिरी सीन है ना वो और मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। फिल्म का आखिरी शॉट यहाँ से फिल्माया हुआ है, जब शाहरुख खान सर स्कूटर पे बैठ के इसी गेट से निकल जाते हैं। पीछे आप देख पाएंगे इंडिया गेट भी आपको दिख रहा होगा, थोड़ा धुंधला दिख रहा है, पर सीन यहीं से ही फिल्माया हुआ है। तो पीछे आप इन पिलर वगैरह को देख पाएंगे, तो इसी सीन को फिल्माया गया था। मैंने जो भी चक दे इंडिया फिल्म के सीन इस स्टेडियम के फिल्माए हुए थे मैंने आपको सभी दिखा दिए। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों अब हम जल्द ही किसी नई लोकेशन पर मिलेंगे, जब तक जय हिंद जय भारत।